हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस न्यूज़ चैनल पर सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम PSL की पल पल की खबर अक्सर आपको लाकर देते हैं। दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक 82 साल के एक ऐसे बुज़ुर्ग की कहानी है जो अपनी बेटी के निकाह के लिए चिटफंड कंपनी के पैसों के लिए परेशान है और बेटी का निकाह होने वाला है। और इसको लेकर आज जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स में आई है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि पूरी न्यूज़ क्या है। न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स में आई है, 82 साल के महमूदुल्ला ने बेटी के निकाह के लिए चिटफंड कंपनी PSL लिमिटेड के खाते में अपना पेट काट कर प्रतिदिन 50-50 रुपये के हिसाब से जमा किया। 3 साल पहले रकम जमा करने की मियाद भी ख़त्म हो गई, इसके बाद भी उन्हें अपनी जमा की गई रकम नहीं मिली। शनिवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित सीएम कैंप कार्यालय पहुँचे और महमूदुल्ला ने कैंप कार्यालय का प्रबंधक देख रहे द्वारिका प्रसाद तिवारी को मुख्यमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि बेटी के निकाह के लिए रकम जमा की थी, 3 साल पहले जमा की गई रकम की मियाद भी पूरी हो गई, लेकिन 1,80,000 रुपये की रकम अपनी कंपनी में उन्हें अब तक नहीं लौटाई गई। मंगलयम टावर की स्थित PSL लिमिटेड का कार्यालय भी बंद हो चुका है था। जुलाई माह में उनकी बेटी का निकाह तय हुआ है और रुपया जमा कराने वाले एजेंट का भी इंतकाल हो चुका है। उनका लड़का महफूज प्रतिदिन रकम की कलेक्शन के लिए आता था। द्वारिका तिवारी के महमूदुल्ला की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए महफूज को गोरखपुर मंदिर में तलब किया। काफ़ी आनाकानी के बाद मंदिर पहुँचे महफूज ने बताया कि रकम उनकी पिता जमा कराते थे। उसने स्वीकार किया कि वह रकम एकत्र कर कंपनी में जमा कराता था, लेकिन अब जबकि कंपनी का पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी भारत सरकार ने बंद किया है, इनको पता नहीं है। ये कहते हैं वह सभ्य रकम लौटाने में सक्षम नहीं है। महफूज ने बताया कि वह कंपनी 2015 में बंद हो गई थी, तब मालिकों ने आश्वासन दिया था कि वह रकम लौटाएंगे। महफूज ने बताया कि उसके पास कम से कम 150 लोग हैं जिनकी रकम डूब गई। जी हाँ दोस्तों, इस एजेंट के 150 ऐसे कस्टमर हैं, ऐसे निवेशक हैं जिनकी रकम डूब गई। मंदिर प्रबंधक ने आश्वस्त किया कि जल्दी उनकी समस्या का समाधान कराते हुए कुछ आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाएगी। गोरखनाथ अजय नगर रसूलपुर निवासी अहमदुल्ला की PSL लिमिटेड के इकलौते शिकार नहीं है, बल्कि उन्हीं के मोहल्ले के मोहम्मद इसरार, वाहिद, उजमा, सहाना, शाह मोहम्मद समेत आधा दर्जन लोग इस ठगी के शिकार हुए हैं। महमूदुल्ला ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन बेटी के निकाह की चिंता में वे रकम दिलवाने की मांग करते हुए फफक्कर रो पड़ते हैं। या दोस्तों, इस वक्त कितने मजबूर निवेशक यहाँ पर दिख रहे हैं और न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जो अपनी पैसे की चिंता को लेकर स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों, ये एक परेशानी किसी एक या दो या तीन या दर्जन भर लोगों की नहीं है। दोस्तों, ये भारतवर्ष के इस PSL कंपनी के 5,85,00,000 निवेशकों की ये परेशानी है और इस परेशानी से जूझ रहे सभी निवेशक अपने पैसे की मांग को लेकर न जाने कितनी बार अपने धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री को अपने ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा, किसी को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को